हे वेलकम बैक टू आवर चैनल दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा हाउ टू रीसेट फोन सेटिंग। किसी भी वजह से अगर आप अपने फोन सेटिंग को रीसेट करना चाहते हो तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको फोन में सेटिंग में जाना है। फोन के सेटिंग में जाने के बाद धीरे धीरे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, उसके बाद एप्स में जाना है, फिर मैनेजर्स पर क्लिक करना है। नेक्स्ट ये पर आपके सामने सारे एप्लीकेशन का लिस्ट आ जाएगा। अब ऊपर में ये जो सेटिंग बार दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करके सर्च करना है सेटिंग्स। सेटिंग्स लिख कर सर्च करने के बाद सेटिंग ऑप्शन आ गया है, तो सेटिंग्स पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से सेटिंग्स का सारे डेटा को डिलीट करना होगा, तो यह पर क्लियर ऑल डाटा पर क्लिक करके सेटिंग्स का सारे डेटा को डिलीट कर दीजिए। अगर इस प्रोसेस को प्रयोग करने से आपका समस्या ठीक हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हुआ तो आप सेकेंड स्टेप को फॉलो कीजिए। सेकेंड स्टेप को फॉलो करने के लिए फिर से आपको फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स को खोलने के बाद ऊपर में आपको सर्च बार देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर सर्च करना है फैक्ट्री रीसेट। तो आप देख सकते हो फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन आ गया है, तो उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। फैक्ट्री रीसेट के अंदर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। आपके फ़ोन में जितने सारे अकाउंट, कॉन्टैक्ट, फोटोज़, वीडियोज़, एप्स वगैरह जो भी है सब कुछ डिलीट हो जाएगा, और आपके फ़ोन पर पहले से जितने सारे डिफ़ॉल्ट सेटिंग था वो रीसेट हो जाएगा। तो मोबाइल को रीसेट करने से पहले आपके फ़ोन में सारे डेटा का बैकअप ले लीजिए, क्योंकि रीसेट करने के बाद सभी डेटा डिलीट हो जाएगा। तो फ़ोन को रीसेट करने के लिए इरेज ऑल डेटा के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आपके मोबाइल का लॉक स्क्रीन का पासवर्ड एंटर करेंगे। उसके बाद अगर आपके फ़ोन में MI अकाउंट लॉगिन है तो उसका भी पासवर्ड डालना होगा, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे कॉन्फर्म किया जाएगा क्या आप अपने फ़ोन से सारे डेटा को खोने के लिए तैयार हो। यदि आपका उत्तर हाँ है तो नेक्स्ट स्टेप का ऑप्शन दबाइए। आपसे दोबारा पूछा जाएगा कि आपने सभी डेटा का बैकअप लिया है। यदि आपका उत्तर हाँ है तो ओके पर क्लिक करें, फिर आपका डिवाइस रिस्टार्ट होना शुरू हो जाएगा और कुछ ही समय में सारे डेटा डिलीट हो जाएगा और आपके फ़ोन में जितने सारे डिफॉल्ट सेटिंग था वो भी सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना फ़ोन और फ़ोन का सेटिंग को रीसेट कर सकते हो। उम्मीद करते हो कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल था। तो हमारे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।